जो वतन के खिलाफ नारे लगाते हैं, क्या उन लोगों का एक का जोर और बुलंद आवाज में जवाब दिया जाना चाहिए? उसका जवाब है हां। जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो प्रगतिशील शक्तियां हैं, ऐसे छात्रों का या ऐसी प्रवृत्ति का जरूर एक बुलंद आवाज में जवाब दिया जाना चाहिए, पर क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं, ये मुख्य धारा का भाग नहीं है। और अगर आप इनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, वो इसीलिए ये सब कार्य करते हैं क्योंकि ऐसे तत्वों के लिए जो पब्लिसिटी है वो ऑक्सीजन का काम करती है। दुख की बात है, और यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का माहौल बन रहा है। ये हमारे सबके लिए और देश के लिए एक खतरनाक आग की तरह फैल सकता है, तो ये हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि इसे तुरंत रोक लें। चाहे जादवपुर हो, चाहे जेएनयू हो, या चाहे कहीं और हो, हम पूरे के पूरे कैंपस को एंटी नेशनल नहीं कह सकते। पूरे के पूरे कैंपस में जो पूरे छात्र पढ़ रहे हैं वो एंटी नेशनल नहीं हो सकते। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लोग कि इस तरह की हरकतें करके पूरे के पूरे कैंपस के पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, पूरे के पूरे छात्रों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए उन छात्रों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस तरह के मुट्ठी भर लोग राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ अपनी हरकतों को अंजाम देने के लिए कैंपस की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ खुद छात्रों के बीच से आवाज उठनी चाहिए। खुद छात्रों को उनको बाहर निकालना चाहिए। खुद छात्रों को उनके खिलाफ संघर्ष करके उनको एक्सपोज करने की जरूरत है।